सही है, स्टॉक इमेज उठा लेता हूँ ना मैं, शटर स्टॉक अनस्प्लैश से पहले उठाया था हमने, तो अनस्प्लैश पे चलते हैं। सही है, होम लैंडस्केप उठाते हैं ज़रा कि जी ये लैंडस्केप में एक होम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया इमेज को, 7 MB की इमेज डाउनलोड हुई है। अच्छा, इस इमेज को अब मैंने क्या करना है, 7 MB की डाउनलोड होने के बाद पहले तो इस साइज़ में लाना है जिस साइज़ में ये मौजूद है। इसका साइज़ ज़रा हम देख लेते हैं क्या इन्होंने रखा है, ठीक है। साइज़ देखने के लिए हमेशा आप इसको बॉटम पे करेंगे तो इस स्क्रीन साइज़ का आपको साइज़ दिखेगा। क्यों नहीं दिखा रहा साइज़ इसका ये, खैर। अच्छा, ये इसका साइज़ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 1112x625, 1112 इसका साइज़ है, यानी 1112 पिक्सल। तो हम भी इसको 1100 पिक्सल पे कर लेते हैं। फ़ोटोपिया पे गया मैं और फ़ोटोपिया पे मैंने इस इमेज को यहाँ पे लाके छोड़ा, और मैं इमेज में गया, इमेज में जाके मैंने कहा कि भाई इमेज का जो साइज़ है उसको मैं क्या कर दूँ, 1112 पिक्सल कर दूँ, ठीक है। अच्छा, हाइट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि जो एस्पेक्ट रेशो हमें चाहिए वो ज़रा सा ही उससे आगे पीछे है, ठीक है। इसको मैंने ओके किया पहले, तो ये मेरी विड्थ सेट हो गई। अब हाइट को मैं थोड़ा सा क्रॉप कर दूंगा ना, ये कर दूंगा मैं। आया यहाँ पर और ये फ्री जो लिखा हुआ है ना, फ्री ट्रांसफॉर्म, ये फ्री को चेंज करके मैं क्या करूँगा, फिक्स साइज़ करूँगा ना, क्या था, 1112 और 22, जो भी यहाँ पे मुझे चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा मुझे ये चाहिए, 625 है। सही है, 625 हो गया ये, ठीक है। अब अगर देखें यहाँ पे आपको दिख पा रहा है अगर, तो ये बारीक सी लाइन आ रही है। अब ये कह रहा है कि भाई अब इमेज को ना या तो मैं ऊपर से क्रॉप करूँ, ये बना है मेरे पास पूरा डब्बा, ठीक है, साइडों से तो ये अलाइन हो रहा है, लेकिन या तो मैं ऊपर से क्रॉप करूँ या तो मैं नीचे से करूँ। तो मेरा ख्याल है कि मैं नीचे वाला हिस्सा भी थोड़ा क्रॉप करता हूँ और थोड़ा ऊपर वाला भी करता हूँ। ऊपर से मैं इतना क्रॉप कर रहा हूँ इसको, और नीचे से मैं इसको इतना क्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। और बस एंटर प्रेस करना होगा, क्या करना होगा मुझे, क्रॉप कंप्लीट कैसे हो गया यार। अच्छा नहीं, क्रॉप में मैं था नहीं, मैं गलत पे खड़ा हुआ था, मैं अब आया हूँ क्रॉप पे, मैं गलत खड़ा हुआ था पहले। सही है, वेल तो ये मैंने जनाब क्या कर दिया, इसको क्रॉप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, इसी तरह बताया था ना मैंने इमेज उठाना। अच्छा, अभी तो फ़िलहाल वैसे वो डायरेक्ट वेबसाइट से भी उठा सकते हैं इमेज, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ज़रा करके बता रहा हूँ ताकि वो थोड़ा रिवाइज़ हो जाए पुरानी बातें, ठीक है जी। मैंने JPG किया और JPG पे अब ये मुझे जो साइज़ बता रहा है, कह रहा है भाई 900 KB का बनेगा। मैंने कहा चलो साइज़ थोड़ा इसका ना क्वालिटी कम कर दो, 70% कर दो, ठीक है, या 80% भी अगर मैं करता हूँ तो ये 176 KB पे आ जाता है, गुड इनफ। सही है, और इसको ज़रा मैं जूम इन करके भी देख लेता हूँ कि ठीक है, गुड इनफ क्वालिटी है, इतनी ज़्यादा ब्रेक भी नहीं हो रही। सेव, डाउनलोड हो गया मेरे पास ये, सही है, इमेज मेरे पास तैयार हो गई, रेडी हो गई। इस इमेज को मैं ज़रा उठा के अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में ले आता हूँ। प्रोजेक्ट क्या है मेरा, जीरो, ठीक है, cover.jpg इसका मैंने नाम रख दिया। अब cover.jpg के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसके नीचे वाले उस पर आकर एक div बना दूँगा मैं, और एक div बनाकर उसको मैं क्लास क्या दे दूँगा, इसको मैं कोई ना कोई क्लास दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि cover
बैनर नाम दे देता हूँ इसको मैं, ठीक है। ये एक बैनर है और इसके अंदर क्या है, एक अदर डिव है। अच्छा अभी मैं वो अप्रोच कर रहा हूँ जो दोस्त ने भी किया है, ये भी ठीक है। बैकग्राउंड वाले से करते हैं, वो भी ठीक है। आपको प्रॉब्लम किस वाले में आ रही थी वैसे? चलो दोनों करके देख, चलो दोनों करके देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। और बैनर डैश टेक्स्ट, इसका नाम राम रख देता हूँ, और मैं इसका नाम रख देता हूँ बैनर डैश इमेज, ठीक है। सोर्स में डॉट स्लैश कवर दे दिया मैंने, और अल्टरनेट में कुछ भी लिख दिया। अच्छा स्टाइल में आते हैं ज़रा, और स्टाइल में आके मैं कहता हूँ डॉट बैनर जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये बैनर इट्सेल्फ, ये तो बंद कर देते हैं, ये बैनर इट्सेल्फ क्या हो जाएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स होने से इसका कोई फ़ायदा है मेरा क्या, मुझे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना चाहिए? नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है उसको, तो इसको फिर हम डायरेक्ट हम बोलते हैं कि यार, क्योंकि अभी हम जिस अप्रोच से कर रहे हैं इसमें हम, ठीक है जी। बैनर डॉट इमेज को मैंने कहा कि जी विड्थ जो है ना वो आपकी क्या हो जाए, 100% हो जाए अपने पेरेंट के अंदर। अच्छा बैनर को मुझे स्टिल विड्थ तो देनी पड़ेगी, बैनर को मैंने कहा कि यार नहीं अभी विड्थ इसको फ़िलहाल तो बैनर को हम विड्थ देना, यानी जो इसका पेरेंट है ना ये वाला, ये ज़रा दरमियान में आता है ना, तो वो उसको दरमियान में लाने के लिए मैं थोड़ा कम करना पड़ेगा जब ही दरमियान में आएगा वो, ठीक है। तो विड्थ इसको मैं दे देता हूँ यार 80% फ़िलहाल, ठीक है। और ताकि ये मुझे दिखे बॉर्डर 2 पिक्सल का ग्रीन बॉर्डर इसको दे देता हूँ मैं, तो कुछ इस तरह से अभी मुझे दिख रहा है ये, ठीक है, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है ये। 80% इसको मैंने विड्थ दी है अपने पेरेंट का, ये 80% इसने ले लिया। अच्छा अब अगला काम मुझे ये करना है कि इस पूरे को मैंने सेंटर में करना है, तो पूरे को सेंटर में करने के लिए मुझे क्या करना होगा भला, कि इस पूरे डिव को मैंने सेंटर में करना है ना असल में, तो इसको डिव को कोई ना कोई पेरेंट देना पड़ेगा मुझे जो कि 100% हो। हाँ अलाइन सेल्फ से भी हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा, लेकिन अलाइन सेल्फ इस पे चलेगा नहीं, इस पे इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये इसका कोई पेरेंट जो है वो फ्लैक्स बॉक्स होना चाहिए जब अलाइन सेल्फ चलेगा, यानी प्रॉपर तरीका जो है। वैसे अगर जुगाड़ में चल भी जाता है तो चल जाए, वो मसला नहीं है। तो मैं बैनर को एक काम करता हूँ ना, एक डिव और दे देता हूँ बैनर को, बैनर के अंदर जो है एक डिव मैं और दे देता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ सेंटर। तो अब क्या होगा कि बैनर को मैं बनाता हूँ फ्लैक्स बॉक्स, और बैनर को फ्लैक्स बॉक्स बना के ना इसके जो चिल्ड्रन को कर देता हूँ सेंटराइज, ठीक है। आ जाओ भाई, सही है। बैनर को मैं कह देता हूँ भाई आप 100% हो विर्थ, ठीक है। 100% वैसे नहीं भी बोलो तो 100% ही लेता है डिव बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको मैंने 100% कर दिया जो मेन बैनर था, यानी इस वाले पार्ट को मैंने स्क्रीन पे पूरा 100% कर दिया, और इसको साथ साथ मैंने ये भी बोल दिया कि आप क्या हो जाओ डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाओ। और डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे ही मैंने किया इसको, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको कि जस्टिफाई कॉन्टेंट जो आप कर दो सेंटर कर दो। तो जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर करने से क्या होगा, इसका जो एक वाहिद चाइल्ड है ये दरमियान में आ जाएगा। अच्छा ये दरमियान में तो आ जाएगा, लेकिन इसको मुझे बोलना पड़ेगा कि अब आप अपनी विर्थ कम करो जब भी मुझे फील होगा दरमियान में, अदरवाइज वो फील नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी विर्थ मैं करता हूँ यार 80% मिसाल के तौर पर, तो अब देखते हैं क्या रिपोर्ट है। ओ सही है, कुछ इस तरह से हो गया। ये जो ग्रीन बॉर्डर था ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और मुझे यहाँ नीचे भी ये ग्रीन बॉर्डर दिख रहा है, ठीक हो गया। अच्छा अब ये ग्रीन बॉर्डर दिखने तक मसला हल नहीं है, अब जो हमारा डिव है यहाँ तक तो ये सही हो गया। अच्छा इसको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मार्जिन शायद मुझे दे देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो टॉप से बहुत ज़्यादा ये चपक रहा है अपने नेफ बार से ना।
अच्छा तो ये जो सेंड वो है ना मेरा, हाँ मार्जिन टॉप, इसको मैं दे देता हूँ 3 RM। सही है, थोड़ा सा दूर कर दिया इसको मैंने, ये हो गया। और अब हमारा जो ये था ना, इसके अंदर सेंटर के अंदर जो टेक्स्ट है इसको जो है कुछ ना कुछ हम क्या कर देते हैं, बैनर टेक्स्ट। मैंने कहा कि जी डॉट बैनर के अंदर सेंटर के अंदर बैनर टेक्स्ट। सही है, ये मैंने किया, सेलेक्टर तैयार किया इसका, और मैंने कहा इसको क्या कर दो आप, बॉर्डर दे दो आप 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है नीचे, बिल्कुल नीचे एक ऐसे यूँ लाइन के तौर पे दिख रहा है मुझे वो। अच्छा ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे वो, ऐसा मुझे वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसको मैंने फ्लेक्स बॉक्स नहीं बनाया, तो बाई डिफ़ॉल्ट जो फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। तो जो इमेज थी मेरी, ये मेरी इमेज थी, ये टॉप पे आ रही है, उसके नीचे जो डिव है वो बॉटम पे आ रहा है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, इस डिव को मैं कुछ ना कुछ विर्थ हाइट दूँगा, क्योंकि अभी विर्थ हाइट कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल ही ज़ीरो दिख रहा है वो। तो इसको मैं ज़रा विर्थ दे देता हूँ जी 30%, कि जी अपने पेरेंट का ना ये 30% ले ले, और हाइट में इसको दे देता हूँ 100%, कि भाई अपने पेरेंट का ये 100% हाइट ले ले। रिफ़्रेश किया मैंने, तो ये देखें आप, जितनी इसके पेरेंट की हाइट थी ना उतनी ही हाइट ली है इसने, लेकिन वो चूँकि उस कंटेनर में जगह नहीं थी तो ये वहाँ उसमें से नीचे चला गया। ठीक है, ये ग्रीन वाला बॉर्डर भी इसके साथ साथ बढ़ना चाहिए था, आई एम नॉट श्योर कि ये बढ़ा क्यों नहीं। इस पर मैंने हाइट वाइट नहीं दी है, वेल शायद उसमें कंटेंट नहीं है, खाली है बिल्कुल, इस वजह से नहीं बढ़ा। अच्छा तो अब मेरे पास ना ये इमेज ऊपर आती है, नीचे आता है, इसकी मैं जैसे ही पोजीशन चेंज करूँगा ना तो ये क्या होगा, ये मेन फ्लो से बाहर निकल आएगा, मेन फ्लो से बाहर निकल के ये इसको मैं जिधर भी लगाना चाहूँगा ये लग जाएगा। इसकी पोजीशन मुझे फ़िलहाल के लिए क्या चाहिए, रिलेटिव पोजीशन चाहिए मुझे इसकी। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव इसकी मुझे चाहिए, सॉरी रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट। नहीं, ये इसको एब्सोल्यूट समझ क्यों नहीं आ रहा, यही तो मैं देखना चाह रहा हूँ, एब्सोल्यूट जब मैंने उसको कह दिया तो उसको समझ क्यों नहीं आ रहा। अच्छा एब्सोल्यूट के साथ ना मुझे एक चीज़ भी इसको बतानी पड़ती है कि एब्सोल्यूट जब ये हो जाए तो कहाँ हो जाए, या रिलेटिव के साथ भी ना, कि रिलेटिव का मतलब ये होता है कि अपने पेरेंट से किधर हो जाए, या जहाँ पे ये पहले मौजूद था वहाँ से ये किधर हो जाए। ठीक है, और इसको वापस एब्सोल्यूट करके ना इसको मुझे बताना पड़ता है कि टॉप से किधर, मैंने कहा टॉप से 0। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा एक मिनट अभी पोजीशंस में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि एब्सोल्यूट कौन सा वाला होता है और वो कौन सा वाला होता है। बुक खोल लेते हैं जल्दी से हम, और बुक खोल के चारों पांचों पोजीशन को ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं। एक होता है पूरी विंडो पे फिक्स होता है, पूरी विंडो से रिलेटिव, एक होता है अपने पेरेंट से रिलेटिव, और एक था कि जहाँ पहले था उससे रिलेटिव। अभी क्या बोल दिया मैंने, CSS में हमारे पास लेआउट में नहीं, हाँ लेआउट में, हाँ यहाँ पे देखें इन्होंने ये बात बताई है कि जी एक नॉर्मल फ्लो होता है उसके बारे में लिखा है, एक रिलेटिव पोजीशनिंग होती है, रिलेटिव है मूव एन एलिमेंट फ्रॉम द पोजीशन इट वुड बी इन नॉर्मल फ्लो, कि नॉर्मल फ्लो में जहाँ पे वो आना चाहिए था वहाँ से उसको कितना इधर करना है या कितना इधर करना है। सही है, शिफ्टिंग इट टू टॉप और राइट, जितना भी ऊपर या नीचे कर दें। ठीक है, दिस एब्सोल्यूट उसके बाद पोजीशनिंग है, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग एलिमेंट इन रिलेशन टू इट्स कंटेनिंग एलिमेंट,
कि अपने कंटेनर में ये किधर चला जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं रिलेटिव पोजीशन में करके बोलता हूँ ना उसको कि यार आप 4 पिक्सल राइट पे हो जाओ, तो जहाँ पे उसको नॉर्मल फ्लो में आना चाहिए था वहाँ से वो राइट हो जाएगा 5 पिक्सल। अच्छा, एब्सोल्यूट पोजीशन में क्या होगा कि अपने पेरेंट के अंदर मूव करेगा। अगर मैं उसको बोलता हूँ ना कि टॉप 0 और लेफ्ट 0, तो वो क्या होगा, अपने पेरेंट के ना इस कोने में आके चिपक जाएगा। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली अभी ये वाला काम करना है जो इन्होंने किया हुआ है। आप देख रहे हैं ये लॉरल इप्सम जो था ये असल में हेडिंग थी नॉर्मल फ्लो के अंदर, इधर भी नॉर्मल फ्लो में हेडिंग थी ये। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने बोला आके उसको कि भाई आप क्या हो जाओ, पोजीशन अपनी एब्सोल्यूट कर लो आप, यानी अपने पेरेंट के अंदर आप फ्री हो जाएगा फिर वो कि कहीं भी जा सकता है। और उसके बाद क्या बोला कि भाई आप जो है ना टॉप जो है 0 हो जाओ, यानी टॉप से 0 पिक्सल का फासला ले लो और राइट से भी 0 पिक्सल का फासला ले लो, तो बिल्कुल ये टॉप राइट पे जाके चपक गया। अच्छा, यही सेम चीज़ हम कर रहे हैं तो हमारे पास ये नहीं हो रहा है। ठीक है, करके देखते हैं दोबारा। हम टॉप 0 करना है हमें और राइट हमें 0 करना है, तो ये टॉप राइट 0 करने पे ये कहाँ चला जाता है, एब्सोल्यूट। सही तो किया हमने, वाई इसका पेरेंट ये वाला है, पेरेंट भी सही है, ये पता नहीं बाहर क्यों जा रहा है। रिलेटिव में क्या होता है कि जहाँ पे ये था ना वहाँ से कितने पिक्सल है, यानी नॉर्मल फ्लो में यहाँ पर आता है, तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई टॉप से ना अब टॉप को मैं बढ़ाना शुरू कर दूँ तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगा कि भाई टॉप से कितना फासला है। तो जितने मैं नॉर्मल फ्लो में जहाँ आना चाहिए था ये वहाँ की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। और अब इसको मगर एब्सोल्यूट करता हूँ मैं, एब्सोल्यूट में अपने पेरेंट के अंदर का वाला सीन था इसके, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है। टॉप 0 राइट 0, तो हो रहा है लेकिन ये ऊपर चला जा रहा है, ऊपर पता नहीं क्यों चला जा रहा है। वेला में काम करते हैं, इसको ज़रा पहले पॉपुलेट कर लेते हैं फिर इसकी पोजीशन हम थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, पॉपुलेट हमने इसको किस तरह करना है, इसके अंदर हमने आके लिखना है ये 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 हमने डिव बनाने हैं इसके अंदर, जो इसके अंदर हम सारा कुछ कर रहे होंगे। ठीक है जी, आ जाते हैं। अच्छा, एक मुझे और भी रीज़न समझ आ रहा है कि ये क्यों नहीं, नहीं जब वो मैंने नॉर्मल फ्लो ख़त्म कर दिया तो उसको तो बाहर आ जाना चाहिए ना उससे। 30% 100% एब्सोल्यूट, एक चीज़ और भी मैं नोट कर रहा हूँ कि ये हाँ अपने जो पेरेंट के जो है ना ये उससे बाहर निकला हुआ है, ये मतलब अपने पेरेंट से इसने हाइट एक तो ज़्यादा ली हुई है, देख रहे हैं आप, पेरेंट से इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसके अपने पेरेंट से हाइट इसने ज़्यादा ली हुई है। अगर मैं इसकी हाइट हटा दूँ थोड़ी देर के लिए तो हाइट हटाते ही तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है ऊपर। अच्छा नहीं, जा ऊपर ही रहे फिर भी, ये सम हाउ जो है ना ये अपने पेरेंट मेन विंडो को कंसिडर कर रहा है सम हाउ, अपना पेरेंट ये इस वाले को अपना पेरेंट समझ ही नहीं रहा, जिसको हमने बताया है। बैनर टेक्स्ट है ना, तो इसका पेरेंट तो इसको समझना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन ये इसको नहीं समझ रहा। सेंटर पर हमने ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं की हुई, विड्थ 80%। ओ अच्छा, ये आप देख रहे हैं सेंटर पर मैं डॉट लगाना भूल गया मुझे। फ़र्क लेकिन उससे कुछ भी नहीं पड़ा इसमें।
फर्क कुछ भी नहीं पड़ा उससे। वेल चलो इसके अंदर हम डिव ज़रा पॉपुलेट करते हैं। पहला डिव हमने बना दिया, उसके अंदर हमने आगे लिखा कि भाई वेलकम। सही है वेलकम। और इसी तरह तीन टोटल बनेंगे हमारे पास। स्लोगन लगा दिया और तीसरे पे मैंने लगा दिया एक बटन और दो बटन। यहाँ पे दो बटन होंगे अब बैरी के। रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन और फाइंड न्यू होम। अच्छा अब ये जो बैनर टेक्स्ट है इसको मुझे ज़ाहिर है वो बनाना पड़ेगा फ्लैक्स बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर के जो आइटम्स हैं इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने अलाइन करना है इसी हिसाब से। ठीक है ये सारा टॉप पे जाके चपक गया है, क्योंकि जो है ना ज़ाहिर है इस पर वो पोजीशन जो लगी हुई है उसकी वजह से। अच्छा एक एक करके हम चीज़ों को हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं कलर पिकर से, इसका कलर पिक करते हैं बैकग्राउंड, और कलर हम जो है ना यहाँ पे आके लगा देते हैं। बैनर टेक्स्ट है ना हमारे पास, बैकग्राउंड कलर, और ये मैंने इसको दे दिया। ठीक है ये मेरे पास आ गया। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वेलकम वाला जो है इसको तो मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस वाले को मैंने करना है H1 के जितना बड़ा बनाना है इसको मैंने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा मैं और जो स्लोगन है मेरा उसको मैं कह देता हूँ कि यार फॉन्ट साइज़ 2 RM। ठीक है 2 RM जो होता है वो हेडिंग 1 के बराबर होता है। रिफ़्रेश किया मैंने वो बड़ा हो गया। अच्छा हमारे जो ये बटन्स हैं वो भी नॉर्मल साइज़ में ही है टेक्स्ट के, लेकिन वो सब क्या हुए हैं, बटन जो है ना थोड़ा सा बोल्ड हुआ है। बटन के ऊपर मैंने वो नहीं लगाया, सही क्लास बटन। मैं कह देता हूँ कि भाई फॉन्ट वेट जो है ना वो क्या हो जाए इसका, बोल्ड हो जाए। ठीक है थोड़ा सा उसको बोल्ड कर दिया मैंने। अच्छा और साथ साथ मैं क्या कर देता हूँ, अब जो मेरा ये टेक्स्ट वाला पूरा डब्बा है इसको डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ इसके ऊपर, ताकि क्या हो जाए मेरा पूरा का पूरा जो वो आइटम है उसको मैं अलाइन कर सकूँ। अच्छा डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही जो जस्टिफाई कंटेंट है उसका वो फ्लेक्स स्टार्ट है, तो वो फ्लेक्स स्टार्ट हो गया, और रैप जो है वो नन है तो वो भी हो गया। ठीक है मैंने जस्टिफाई कंटेंट इसमें क्या लगाना है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट क्या लगाऊं मैं, बल्कि जस्टिफाई कंटेंट नहीं, पहले तो जो इसका जो फ्लो होगा, जो फ्लेक्स का जो फ्लो है वो मुझे टॉप टू बॉटम करना है ना। ठीक है तो कॉलम मैंने कर दिया तो ये टॉप टू बॉटम फ्लो वापस मेरा आ गया। ठीक है अच्छा टॉप टू बॉटम किया जब मैंने, तो अब मैंने वर्टिकली उसको अब सेंटर में करना है, वो मैं कैसे करूँगा, क्या लिखूँगा तो होगा, अलाइन आइटम से नहीं होगा, जस्टिफाई कंटेंट से होगा। क्यों, पहले जब उसका जो शेप हॉरिजॉन्टल था ना तो जस्टिफाई कंटेंट से राइट लेफ्ट और सेंटर होता था, लेकिन अब उसका जो फ्लो क्योंकि लंबे पे हो गया है टॉप टू बॉटम हो गया है, तो जस्टिफाई कंटेंट भी ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है और इसी तरह अलाइन आइटम जो है वो भी अपोजिट हो जाएगा।
सही है, इसको मैंने कर दिया सेंटर, रिफ्रेश किया कि सेंटर में हो गया। अच्छा क्या मुझे इतने सेंटर में चाहिए ये? हाँ इतने ही सेंटर में चाहिए। ज़रा आपस में इनका मार्जिन पैडिंग कर देते हैं ठीक है, और बटन की जो विड्थ वगैरह है वो ज़रा कम कर देते हैं, तो ये मेरा मसला सेट हो जाएगा ठीक है। चीज़ें ज़रा सेंटर में भी नहीं है इसमें, तो मैं क्या करूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर करूँगा, तो ये सेंटर में हो जाएगा सब, ये सारा सेंटर में हो गया ठीक है। और बटन की विड्थ ऑटोमेटिकली थोड़ी सही हो गई है, अपने कॉन्टेंट पर टाइट हो गई है। अच्छा बटन की विड्थ अपने कॉन्टेंट पर ही है इसमें भी, सही है। अब मसला सिर्फ ये रह गया कि इसके ऊपर इसको फिट कैसे करें, ये फिट नहीं हो रहा है इसके ऊपर, भाग रहा है इधर से उधर भाग रहा है ये। नहीं नहीं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं नहीं उसमें क्या होगा, ठीक है। अब ज़रा इससे हम छेड़छाड़ करके देखते हैं, अपनी हाइट खुद ही चेंज कर रहा है, ये क्या चक्कर है, ये अपनी हाइट जो है ना खुद ही चेंज कर रहा है। अच्छा इसकी हाइट जो 100% है इसको भी मैं हटा रहा हूँ, और इसकी विड्थ जो 30% है इसको भी मैं हटा रहा हूँ ठीक है। तो ये अपनी जगह पे चला गया वापस, एब्सोल्यूट तो नहीं हटाया मैंने, फिर ये अपनी जगह पे क्यों चला गया, एब्सोल्यूट तो मैंने नहीं हटाया था। अच्छा एब्सोल्यूट के साथ वो नहीं लगा हुआ ना, टॉप ज़ीरो और राइट ज़ीरो, सही है ये नहीं लगा हुआ था इसके साथ। टॉप ज़ीरो राइट ज़ीरो करने पे ये विंडो के कोने पे जा रहा है, ये इसका प्रॉब्लम है ना असल। हालांकि एब्सोल्यूट में जो है वो क्या होना चाहिए, हाँ एब्सोल्यूट में ये होना चाहिए कि अपने पेरेंट के इसको टॉप पे जाना चाहिए। हाँ अच्छा तो इसको गूगल कर लेते हैं हम अलग से कि जी मैं एब्सोल्यूट करता हूँ तो वो अपने पेरेंट में जाने के बजाय विंडो पे चला जाता है ठीक है। एब्सोल्यूट डिस्प्ले एब्सोल्यूट मैंने इसको लिख दिया है सिंपल सी इंग्लिश में कि यार डिस्प्ले एब्सोल्यूट करता हूँ ना तो वो अपने पेरेंट से बाहर चला जाता है। तो किसी ने ये सवाल पूछा है, अब ज़रा देख लेते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने। अच्छा इसने कहा योर प्रॉब्लम इज़ पोजीशन रिलेटिव पेरेंट, सिंस यू हैव पोजीशनिंग ऑन द एलिमेंट इनर विल ऑलवेज अलाउ टू स्टे विद इन द ओवरफ्लो। अच्छा वो कह रहा है कि पेरेंट पे भी ना कोई आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी, वो ये कह रहा है, कह रहा है पेरेंट पे भी कुछ ना कुछ लगा दो आप तो फिर मसला सेट हो जाएगा। हाँ नहीं इसका पेरेंट अभी है मेरे पास है ना, सेंटर जो है इसका पेरेंट है ना ये, तो सेंटर पे वो कह रहा है कि यार अगर आप ना ओवरफ्लो जो है इसका अगर ऑटो कर दें आप, सही है ये ओवरफ्लो को नन कर दूँ अगर मैं तो इससे मसला हल हो जाएगा ये वाला। फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इससे तो, हाँ अब ये आया हूँ पहाड़ के नीचे, लेकिन अभी भी अपने पेरेंट पे तो नहीं गया, इसका पेरेंट कहाँ से कहाँ था गया। वालेकुम अस्सलाम, हाँ सही है अपने पेरेंट पे आया ये, असल में इसका पेरेंट जो है ना वो थोड़ा सा वाइडन हुआ है ठीक है जी। तो ये हो गया, ये अपने पेरेंट पे आ गया,
अच्छा ये कैसे हुआ सुन लो, ये इसका जो ये कह रहा है कि यार पेरेंट को ना कोई स्टाइल देना पड़ेगा वरना नहीं होगा मसला। अगर पेरेंट पे भी ना कह रहा है इस तरह की पोजीशन एक लगाओ आप, जब भी उसको पता चलेगा कि ये मेरा पेरेंट है, अगर नहीं लगाओ तो वो फिर बाहर पेरेंट पे जा रहा है। ठीक है, मे भी अक्सर हम ये करते हैं कि इस पर फ्लैक्स बॉक्स के अंदर होता है, इसलिए कभी फील नहीं होता, लेकिन ये कि आज हमने सिंपल किया तो वो फील कराया इसने, कोई मसला नहीं है, हमने चेक कर लिया कि क्या चक्कर है। ठीक है जी, तो हमने जो आइटम था उसके ऊपर लगाया पोजीशन एब्सोल्यूट, लेकिन इस आइटम को ये समझाने के लिए कि इसका पेरेंट कौन है, इसके पेरेंट पे हमने रिलेटिव लगा दिया। ठीक है, रिलेटिव से होगा कुछ भी नहीं, अब आइटम अपनी जगह से हिलेगा नहीं अनटिल एंड अनलेस कि उसको मैं बताऊँ कि यार रिलेटिव पोजीशन में, क्योंकि ये होता है कि जो नॉर्मल फ्लो में एलिमेंट ने जहाँ आना होता है वहाँ से कितने पिक्सल राइट या लेफ़्ट हो गए। तो जब तक इसको मैं बताऊंगा नहीं कि भाई राइट आपने कितने पिक्सल होना है, ये बिल्कुल उसी जगह रहेगा जहाँ पे ये रहता है। अच्छा, अब एक मसला ये हो रहा है मेरे पास कि जो है ना, जब मेरा जो ये दोनों ना बिल्कुल अलग अलग मेरे पास मूव कर रहे हैं, जब मेरी स्क्रीन बड़ी होती है ना तो एक पॉइंट ऐसा आता है मेरे पास, इसको ज़रा मैं इस तरफ करके दिखाऊँ, मेरी जब स्क्रीन बड़ी होती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये अपने, अगर मैं ये दिखा पाऊँ ना तो ये इसका सेंट्राइज्ड पेरेंट है। इस पर बल्कि कुछ लगा भी देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। ये कुछ इस तरह का बना हुआ है ना, अभी ये देख रहे हैं आप, ये कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो वो क्या होता है कि ये दो हैं तो एक डिव में, लेकिन वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो डिव बड़ा हो जाता है, अंदर की इमेज जो है वो छोटी रह जाती है, तो फिर क्या होता है साइड में एम्प्टी स्पेस आ जाता है। अच्छा, पहले तो इसकी मैं हाइट पूरी करूँ ना, चलो पहले ये साइड वाला, वरना दिखेगा नहीं हाइट, पता नहीं चलेगा। तो अब मुझे मैक्सिमम अगर मैं ला भी सकता हूँ ना तो मैं यहाँ तक ला सकता हूँ इसको, इसको और छोटा कैसे करूँगा मैं, अगर मैक्सिमम इसको ला सकता हूँ ना तो मैं यहाँ तक ला सकता हूँ, क्योंकि वो पूरे को कवर करके रखेगा नीचे वाले को, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो बीच में ना वाइट स्पेस आ जाएगा। ठीक है, और आइडियली मुझे क्या करना है, इसको मुझे इसको यहाँ तक ही रोक देना चाहिए आइडियली। तो कौन ये बताएगा कि ये काम कैसे करूँ मैं अचीव? पेरेंट की विर्थ को क्या करूँ साइड, विर्थ में कुछ लिखना पड़ेगा ना मुझे कि भाई ये विर्थ हो जाए। अच्छा, मैंने अगर अपने डिव को अगर मैंने इमेज पे अलाइन करके रखना है तो इमेज का साइज़ मुझे पिक्सल में पता है, तो मैं इमेज का जो साइज़ था वो कर दूंगा, मैक्सिमम विर्थ सेट कर दूंगा भाई इससे बड़ा ना हो। ठीक है, या तो इमेज के साइज़ पे सेट कर दूंगा, या जो अभी जो क्या विर्थ है इसकी, अभी जो इसकी विर्थ है वो 1440 है इस वक्त, हाँ तो 11-12 पे या 1440 पे, सही है। तो इसको मैं फ़िलहाल अभी 1440 पे पहले सेट करता हूँ कि मेरा जो ये सेंटर है ना इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो क्या हो जाए 1440। फ़िलहाल मैंने सेट किया इसको, तो अब देखें क्या होगा कि जब ये छोटा होगा ना तो ये नीचे तो जाएगा इससे, लेकिन जब बड़ा होगा तो ये एक सर्टन पॉइंट पे आके अब रुक जाएगा, अब ये मज़ीद बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अभी तो ये वाला जो मेरा बॉक्स है ये पूरा नीचे तक आएगा ना, ज़मीन तक आएगा तो वो छुप जाएगा। हाँ, किस चीज़ की हेल्प? आपको जो इशू आ रहा है मैं बता तो रहा हूँ, सारी है जो मैं बता तो रहा हूँ आपको, सारे मसले हल तो करके दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने इसको अभी 1112 पे सेट कर दिया फ़िलहाल के लिए। अच्छा, अब ये हो गया, अब ये मेरा इमेज देखें मूव नहीं कर रहा अब। अच्छा, लेकिन इमेज समटाइम ये इस तरफ मूव करता है, लेकिन इस तरफ मूव करना शायद कोई इतना इशू नहीं है, इस तरफ जो ये मूव कर रहा है इसका इतना इशू नहीं है। मेरा जो, अगर आप नोट करें तो ये मेरा जो बॉक्स है ना छोटा वाला, ये भी इमेज ये छोटा हो रहा है एक सर्टेन साइज़ पे आने के बाद ना, क्योंकि मैंने मैक्सिमम विड्थ लगा के रोका तो है लेकिन मिनिमम नहीं लगाया, तो मिनिमम वो जहाँ तक जाएगा वो जाता रहेगा, लेकिन मेरी जो इमेज है ना वो स्टिल नज़र आ रही है,
तो मैं इमेज इस पे और क्या लगा दूंगा आगे, प्रॉपर्टी मैं लगा दूंगा कि भाई ओवरफ्लो जो है ना एक्स जो है, ओवरफ्लो एक्स यानी राइट या लेफ्ट से अगर ओवरफ्लो होता है तो उसको क्या कर दो, हिडन कर दो। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, अब आप देखें क्या होता है। ये इतना तो पूरा इमेज, लेकिन जैसे ही ये डब्बा छोटा होना शुरू होगा ना, वो इमेज को साइड से छुपाना शुरू कर देगा। देखें इमेज को छुपाता जा रहा है वो। क्या मतलब? नहीं, उन्होंने तो देखो काम ही कुछ और किया हुआ है ना, अभी हम उस तरफ हम गए नहीं हैं अभी तक। हाँ नहीं, ये तो नीचे आ जा रहा है ना, ये तो इन्होंने या तो मीडिया क्वेरी से किया है काम, उसके बगैर ये होगा नहीं, क्योंकि एक इसमें से जो है वो एब्सोल्यूट है। देख लेते हैं इसको कौन सा वाला एब्सोल्यूट किया हुआ है इन्होंने, ये रहा ना, इसको एब्सोल्यूट किया हुआ है। ये जो है ना डब्बा, ये वाला जो डब्बा है ना हमारा, इसको इन्होंने किया हुआ है एब्सोल्यूट। तो मतलब इसने मीडिया क्वेरी लगाई हुई 100%, और कोई दूसरा तरीका तो शायद नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा ये देखें ना, मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल किया हुआ है, मीडिया मिन विड्थ 668 हो तो ये क्लास लगा दो। ये मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करके इसने क्या किया है कि जब इससे छोटा होता है ना मजीद, अब देखें एक सर्टन पॉइंट पे आके ये मेन्यू छुप जाता है, यहाँ पे मेन्यू मौजूद है, जैसे ही मैं इसको हल्का सा कम करता हूँ मेन्यू छुप जाता है और ये बटन अपेयर हो जाता है। ये बटन पहले भी था इधर और ये पूरी स्क्रीन पे जो खुल रहा है, लेकिन ये छुपाया हुआ था और नेविगेशन बार को शो किया हुआ था। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए मैं अभी बग़ैर मीडिया क्वेरी के जो चीज़ें पॉसिबल है ना वो बता रहा हूँ अभी। अच्छा तो अब क्या होगा, ये जितना भी इसको मैं छोटा करता जाऊँगा ये उतने छोटे पे आ जाएगा और अल्टीमेटली पूरे की पूरी इमेज को क्या कर देगा, ये कवर कर देगा। ठीक है, अच्छा अब जो है ना मैं ज़रा अपने इसको विड्थ दे देता हूँ कि भाई आप, सॉरी हाइट इसकी मैंने छुपाई हुई थी ना जो इमेज की, कहाँ गया मेरा, सॉरी ये बैनर टेक्स्ट की, ठीक है हाइट 100% की मैंने, तो ये टॉप से बॉटम तक आ गया नीचे तक। लेकिन जब ये नीचे तक आता है तो ये कुछ गड़बड़ कर देता है यार, ये क्या कर देता है, जब ये नीचे आता है तो ये कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसमें गड़बड़ ये हो जाती है कि ये एलिमेंट सारे चपके हुए बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा इसमें तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये इस तरह के छोटे मोटे गड़बड़ इसके अंदर मौजूद हैं। तो हम आ जाते हैं ज़रा वो अभी जो क्या था वो ग्लास मॉर्फिज़म लगा देते हैं, ये ग्लास मॉर्फिज़म इसमें। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई बैकग्राउंड कलर ये लगा दो, हमें तो बैकग्राउंड कलर वो नहीं लगाना है ना, हमें तो हमारा वाला लगाना है बैकग्राउंड कलर, ये वाला। हमने कहा जी कि बैकग्राउंड कलर ये वाला लगेगा हमारी मर्ज़ी का, सही है, और ट्रांसपेरेंसी इसमें थोड़ी सी इतनी हो, हल्की फुल्की सी। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लर जो है वो भी गुड इनफ है, और आउटलाइन हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आउटलाइन को ज़ीरो। तो इन्होंने बोला भाई बैकग्राउंड कलर ऐसे लगाओ आप, साथ में बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस की हमें ज़रूरत नहीं है, आ जाओ भाई बैकग्राउंड कलर ये हो गया हमारा, ऊपर वाले की अब मुझे ज़रूरत नहीं है बैकग्राउंड, बल्कि इसको ऊपर ही ले जाता हूँ ना मैं, सही है बैकग्राउंड कलर ये हो गया। साथ में इसने क्या बोला, इसने बोला कि यार बॉक्स शेडो लगा दो आप और ये फ़िल्टर लगा दो, और ये तीसरा वाला जो है ना ये पुराने ब्राउज़र्स के लिए होता है, तो चलो इसको भी लगा ही लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने इस पर अप्लाई कर दी और इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आ गई इसके अंदर। अच्छा ये जो डब्बे शुब्बे मैंने लगाए हैं, इसका ज़रा हटा देते हैं सारे डब्बों को, ये मैंने जो डब्बे लगाए हैं ना ग्रीन और ये ब्लैक और ये इतने सारे, ये इसकी वजह से, ये भी बना हुआ जो आ रहा है ना ये इसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि वो पिक्सल थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं उसको, इसकी वजह से। ठीक है, तो ये जितने बॉर्डर मैंने लगाए हुए थे उस सबको मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे भी बॉर्डर लगाया हुआ था और मैंने यहाँ पे भी बॉर्डर लगाया हुआ था। ठीक है, मच बेटर एंड क्लीनर डिज़ाइन। ठीक है भाई, अब अगला काम मुझे क्या करना है कि ये जो डब्बा है ना मेरा, इसके अंदर ज़रा साइड में थोड़ा वो देना है मुझे,
पैडिंग देनी है। आज वो पैडिंग देते हैं साइड में, पैडिंग मैंने कहा कि यार 1.5 rem ये मैंने इसमें पैडिंग दे दी ताकि ये दोनों साइडों से ज़रा दूर हो जाए। ठीक है, ये देखो पैडिंग यहाँ पे विजिबल हो गई है इस डब्बे पे। अच्छा, फिर अंदर के जो मौजूद एलिमेंट्स हैं जितने भी, इनको मैंने ज़रा ऊपर और नीचे इसके मार्जिन लगाना है, वो लगा देते हैं। मेरा जो स्लोगन है, हाँ भाई क्या बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे हो। तुम जब आए हो ना नवाबों की तरह इतनी देर में, उससे पहले इस पर डिस्कशन हो चुकी है 5-10 मिनट। ये मैंने सेकंड टाइम बताया इसलिए मैं ज़रा जल्दी से बता के निकल गया, और किसी ने सवाल नहीं पूछा, ये तुमने पूछा है क्यों तुम लेट आए हो। ठीक है, दे अब क्या देख लोगे, अब वो मिस हो गया है। हाँ मतलब वो ज़ाहिर है चीज़ मिस हो गई तो हो गई, अब वो तो हो थोड़ी सकता है उसका कुछ। वेल अच्छा, ये जो वेलकम है और स्लोगन है और बटन है, और बटन है सही है, बटन को मैंने कहा कि जी ज़रा मार्जिन टॉप, वन rem सही है। दोनों बटनों को ज़रा मैंने कहा भाई थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे से दूर हो जाओ आप। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि यार वेलकम स्लोगन वाले को मैंने कहा कि आप भी क्या हो जाओ, मार्जिन टॉप जो है ना आप भी क्या ले लो, 2 rem ले लो कम से कम। ठीक है, उसको और ऊपर कर दिया। अब अगला काम है मैंने फॉन्ट इसका मैच करना है। ठीक है, फॉन्ट वैसे तो सेरिफ फॉन्ट लगाया हुआ है इन्होंने ना, बटन पे और इन दोनों पे सैन सेरिफ लगाया हुआ है और मेन हेडिंग पे सेरिफ है। तो मैं बोल देता हूँ कि यार फॉन्ट फैमिली जो है ना वो क्या हो जाएगी आपकी, सैंस सेरिफ। ठीक है, और वो नहीं लगाया मैंने डॉट बैनर वेलकम, ये वेलकम वाला अप्लाई नहीं हुआ। अच्छा, वेलकम में ये कह लेना। ठीक है जी, इसके ऊपर भी सैन सेरिफ हो गया, इसके ऊपर भी सैन सेरिफ हो गया। अच्छा, बटन जो है वो अपने कंटेंट पर बड़ा टाइट हुआ हुआ है, बटन पे कुछ ना कुछ पैडिंग दे देते हैं चल के। बटन पे पैडिंग दे देते हैं हम 0.5 rem। ठीक है, इतना काफ़ी है हमारे ओरिजिनल साइड में, थोड़ा सा ज़्यादा है इससे और, चलो थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, 0.7 rem कर देते हैं। अच्छा, और इस बटन के ऊपर और क्या लगा हुआ है, कौन बताएगा। हाँ, rem नहीं लगा हुआ इस पर स्टाइलिंग में, विजिबल स्टाइलिंग में इस पर और भी चीज़ें लगी हुई हैं। हवर तो नहीं, हवर तो कुछ भी नहीं है इस पर, हवर पे तो कुछ नहीं हो रहा, क्लिक पे भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब ये इनका बटन ऐसा दिख रहा है और हमारा बटन ऐसा दिख रहा है। चलो, एक तो कलर है, बैकग्राउंड कलर है और फोरग्राउंड कलर है। आ जाओ भाई, बैकग्राउंड कलर इसका जो हम काला है ना, यहाँ से ज़रा एग्जैक्टली मेक श्योर कर लेते हैं हम कि ये वाकई काला है पूरा। हाँ, ये वाकई पूरा काला है। टेक्स्ट स्पेसिंग है, ठीक है, यही मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों से। बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और कलर जो है इसमें वाइट है। सही है, ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ना स्टिल जो है वो इनका जो बॉर्डर है ना, जो एजेस हैं इनके, वो ज़रा बिल्कुल प्लेन है, और हमारे एजेस पे जो है ना क्या है, ये वाला स्टाइल आया हुआ है, थोड़ा सा बटन का स्टाइल आया हुआ है। ठीक है, ये कैसे ख़त्म होता है कौन बताएगा, कौन बताएगा ये कैसे ख़त्म होता है। CSS की बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं की आप लोगों ने। रेडियस नहीं, मेरे ख्याल है ये
इसको मैं बॉर्डर ज़ीरो करूँगा ना, ज़ीरो पिक्सल, ठीक है, बॉर्डर ज़ीरो किया मैंने तो वो ख़त्म हो गया, नीचे वाले में वो है, ठीक है, बॉर्डर, अच्छा मैंने बॉर्डर तो मैं लिखता हूँ ना 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो इसमें मुझे सिर्फ साइज़ देना है, तो मैं बॉर्डर डैश साइज़ लगाऊंगा ना जब इस पर, बॉर्डर विड्थ है एक्चुअली, साइज़ नहीं है, बॉर्डर विड्थ लगाऊंगा मैं 0 पिक्सल तो भी इनफ है, सही, क्योंकि मैंने विड्थ जब 0 कर दी तो मसला हल हो गया मेरा, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसको क्या दे दूँगा, लेटर स्पेसिंग दे दूँगा, लेटर स्पेसिंग दे दूँगा मैं 0.3 rem, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो गया, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, इनके मुकाबले में ज़्यादा हो गया, 0.2 rem, अच्छा इनका पैडिंग जो है ज़रा सा और ज़्यादा है, हमने पैडिंग थोड़ी कम दी है, इसको पूरा 1 rem करते हैं, देख रहे हो मैच होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, 1 से भी ज़्यादा है भाई इनका, 1.3, अब देखे देखते हैं, हाँ अब कुछ मैच हुआ है, अब सिर्फ वो फॉन्ट रह गया हमारा, वो फॉन्ट हम मैच करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा ये इनका जो टेक्स्ट है ये वाला, ये भी ज़रा और बड़ा है ये हमारे वाले से, ठीक है, तो इसका वैसे ही हम साइज़ देख लेते हैं यहाँ पे लगा के ना, वैसे ही हम इसका साइज़ चेक कर लेते हैं, 38 पिक्सल किया हुआ है इन्होंने, तो 38 पिक्सल जो है वो कितने rem बनेगा हमारा, 16 होता है ना, 16 दूनी 32, हाँ 2 point something बनेगा, 38 divided by 16 2.3 बनेगा ये, तो हमारे 2.3 कर देते हैं इसको भाई, तो हमारा फॉन्ट इनसे क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, सही है, हमने साइज़ इनसे मैच कर लिया। अच्छा ये क्या होता है, 2 line में आता है फॉन्ट इनका, हमारा जो है वो क्या होता है 1 line में आता है, तो इसको 1 line से 2 line में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, हालांकि हमारे पास सब कुछ वही है, लेकिन वो उनका 2 line में आता है, हमारा 1 line में आता है, इन्होंने देख लेते हैं क्या किया हुआ है इस काम के लिए, इन्होंने लाइन ब्रेक तो नहीं लगाया हुआ है, फिर क्या किया हुआ है इन्होंने, इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, इनकी ज़रा ये जो डब्बा है ना इनका, इसके विड्थ की वजह से ये हो रहा है, अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊँगा तो ये फिर 1 line में हो जाना चाहिए, इसका मतलब है, सही है, उस ये डब्बा है ना इनका जो बॉक्स है, उस बॉक्स के विड्थ की वजह से ये 2 line में आया हुआ है, वरना इन्होंने कुछ एडिशनल चीज़ नहीं लगाई उसके लिए, टेक्स्ट अलाइन नहीं, हम भी अपना बॉक्स छोटा कर देते हैं थोड़ा, हमारा बॉक्स असल में इसको मैंने कितना परसेंटेज में दिया हुआ है ना, विड्थ, विड्थ मैंने इसको कितनी दी हुई है अपने बॉक्स को, अच्छा विड्थ मैंने डिफाइन ही नहीं किया, उसका जितना दिल कर रहा है वो ले रहा है, ये वाला चक्कर है ना, विड्थ मैंने डिफाइन नहीं किया, नहीं नहीं वो विड्थ मैंने विड्थ लगाई नहीं है ना अपने, ये मेरा इसमें विड्थ कहीं पे भी नहीं लगी हुई, तो इसमें मुझे विड्थ बतानी होगी, इसको विड्थ मिसाल के तौर पे हमारा जो फ़ोटो है हमारी वो 600 पिक्सल की है ना, सॉरी 600 पिक्सल की नहीं है, कितने पिक्सल की है फ़ोटो है, हाँ 1112 की है, तो 1112 है ना, तो आप समझ लें 3 दिन 6 दिन 9 दिन 12, तो इसको हम 400 पिक्सल कर देते हैं, सही है विड्थ इसकी, तो ऑटोमेटिकली जब हमारा ये डब्बा थोड़ा सा छोटा होगा ना तो ये दूसरी लाइन में खुद ही आने की कोशिश करेगा, अच्छा जब ये दूसरी लाइन में आने की कोशिश करेगा तो मैंने क्या करना है, इसको सेंटर करना है, अच्छा तो स्लोगन जो ये लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्या करूँगा जाके, अब लगा दूँगा मैं टेक्स्ट अलाइन,
सही है, स्लोगन के ऊपर जाके मैं टेक्स्ट लाइन लगा दूंगा। सही है भाई, मैच हो गया। अच्छा अभी इस पे ना ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं आना चाहिए इसके ऊपर, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? और ये कौन से वाले पे आ रहा है ज़रा वो भी देख लेते हैं। इमेज से इमेज को मैंने हाइट तो दी नहीं है। ये इस वाले पे आया हुआ है जो सेंटर के नाम से है ना मेरे पास, इस वाले पे आया हुआ है। ओके अच्छा, ये मेरा जो ये लाल वाला जो डब्बा है ये इमेज से ज़रा बड़ा है। अच्छा इसके बड़ा होने का क्या रीज़न है, कौन बताएगा? आसान सवाल है बहुत। अगर मैं आपको जूम आउट करके बताऊँ ना तो आप देखें, ये जो मेरा लाल वाला डब्बा है ना जिसको मैंने इमेज के ऊपर ला के अलाइन किया है, ये डब्बा जो है वो असल में क्या है, इसकी हाँ इसकी हाइट में ये इमेज से बड़ा है, इसकी हाइट ज़्यादा है। और ये कैसे हुआ? हालांकि मैंने तो 100% दी है हाइट, मैंने तो यहाँ लिखा है ना इसको कि भाई आपका जो ये रहा ना टेक्स्ट बैनर टेक्स्ट जो है, मैंने कहा भाई हाइट आपकी 100% है, अब इसकी हाइट ज़्यादा कैसे हो गई? पैडिंग जो दी थी जी हाँ, ठीक है। हमने बॉक्स मॉडल जो पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि जो पैडिंग या मार्जिन या बॉर्डर जो भी हम देते हैं वो क्या होता है, वो पूरे बॉक्स के साइज़ में एडअप होता है, ठीक है, कम नहीं करता। तो अब यहाँ पे ये 100% में मुझे या तो कुछ कम करना पड़ेगा और या तो मुझे कुछ पैडिंग हटानी पड़ेगी बिल्कुल साइज़ को मैच करने के लिए। अब बताओ मैं क्या करूँगा ऐसे पॉइंट पर? हाइट कितनी कर दूँ मैं, 90 कर दूँ? 80% कर दिया मैंने। अब 80% करने पे एक दूसरा मसला सर उठाएगा, छोटा हो गया ये। अच्छा अब देखें समझें इस चीज़ को ना, क्योंकि मेरी हाइट फिक्स है, हाइट चेंज नहीं होती। हाइट मेरी जो इमेज की वो 625 है, मेरी जो इमेज है ये इसकी हाइट 625 है ना, ये टॉप पे लिखा हुआ है 625, तो मुझे पता है 625 हाइट है इसकी, ठीक है ना, तो इसको मैं पिक्सल में दे दूंगा हाइट क्या भाई 625। अच्छा लेकिन उसमें से मुझे 1.5 REM को माइनस भी करना है, कैसे होगा ये काम? भाई 625 मैंने इसको अगर हाइट दे दी, 625 पिक्सल मैंने इसको हाइट दे दी, ठीक है, ये अभी भी बड़ा छोटा हो रहा है। ये अभी भी बड़ा छोटा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 1.5 REM जो है ना इसमें से मैंने माइनस करना है, लेकिन 1.5 REM जो वो कितना होगा, 16 और 16 करके कुछ 38 पिक्सल होगा, ऐसा ही है ना, कुछ 38 पिक्सल के अराउंड वो बनेगा, मगर वो जब फॉन्ट का साइज़ चेंज होगा तो REM चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? हाँ भाई, तो मेरे लिए शायद इस केस में मेरे लिए आइडियल ये है कि मैं REM को हटा दूँ, REM को हटा के मैं पिक्सल कर दूँ, क्योंकि उसको पूरे को मैंने फिक्स रखना है। अच्छा अगर यहाँ पे कोई मतलब हम इसके ऊपर आके सोचते हैं ये कि हमारा जो टेक्स्ट का साइज़ है, तो बॉडी का जो टेक्स्ट है वो तो सिर्फ वेलकम ही लिखा हुआ है, उससे और तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वेलकम ही लिखा हुआ है, और वेलकम को अपना वो मिला हुआ है मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम, ठीक है, इसको हमने मार्जिन टॉप दे के थोड़ा सा दूर किया हुआ है। अगर इमेजिन करें कि इसका साइज़ चेंज हो जाता है, ठीक है, फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा फिर, ठीक है, और उसी के साथ साथ ये जो है ना मार्जिन भी इसका इंक्रीज़ होगा, जो ये पैडिंग है इसकी ये भी इंक्रीज़ होगी, पैडिंग मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी ये। लेकिन अगर मैं पैडिंग को इंक्रीज़ ना करूँ, पैडिंग को मैं फ़िक्स कर दूँ, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो मैं अल्टीमेटली यहाँ पे क्या करूँगा कि थोड़ी देर के लिए REM को मैं हटा दूँगा, या तो फिर मैं क्या करूँ, मैं पूरे को सबको REM के हिसाब से दूँ,
लेकिन फिर आखिर में ये होगा कि मेरी इमेज वो पिक्यों के पिक्सल में है, तो उसका मसला गड़बड़ है इमेज वाले का ना। अच्छा, एक दूसरा तरीका मेरे पास ये हो सकता है कि मैं इसको क्या करूँ, मैं विड्थ इसकी 100% ही रखूँ या विड्थ इसकी मैं थोड़ी कम कर दूँ, मिसाल के तौर पर 96% कर दूँ विड्थ इसकी, ठीक है, रिफ्रेश। अच्छा, अभी भी ये क्या है, थोड़ा सा इसमें स्क्रॉल मौजूद है, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, पैडिंग की वजह से स्क्रॉल मौजूद है। अच्छा, तो दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको जो ओवरफ्लो हो रहा है ना, जो नीचे से बाहर निकल रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो पे स्क्रॉल बना हुआ आता है, तो मैं ओवरफ्लो को हिडन कर दूँ कि भाई नीचे जितना भी जा रहा है जाने दो, लेकिन आपने क्या करना है, उसको दिखाना नहीं है, उसको आपने हिडन कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको भले 100% भी रखूँ अब, और साथ में मुझे एक चीज़ लगानी पड़ेगी इसमें, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन कर दिया मैंने, ओ सॉरी, ये इस पर नहीं लगेगा ओवरफ्लो हिडन, वो इसके पेरेंट पे लगेगा ना, क्योंकि ये अपने पेरेंट से बाहर निकल रहा है, तो ये हमारा, अच्छा, ओवरफ्लो इसमें एक्स तो ऑलरेडी हिडन लगा हुआ है, तो मैं इस पर ओवरफ्लो ऐसे कर देता हूँ कि एक्स वाई दोनों को कर दें, ठीक है। ओवरफ्लो एक्स का मतलब होता है कि सिर्फ राइट और लेफ्ट से जो बाहर निकल रहा है उसको छुपाना है, अभी मैंने उसको बोला भाई किसी भी तरफ से बाहर निकले ना आप छुपा दो उसको। अच्छा, स्टिल मेरे पास एक प्रॉब्लम है, स्लाइटली प्रॉब्लम है, कि मेरे पास ये जो पूरा कॉन्टेंट है, ये वाला पूरा कॉन्टेंट है, ये वर्टिकली अपने सेंटर में किया था ना मैंने, टॉप टू बॉटम इसको मैंने सेंटर में किया था, लेकिन अभी आप अगर इस पर गौर करेंगे तो ये सेंटर में नहीं, ये थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, ये सेंटर में नहीं है, ये जो मेरे पास ये पूरा का पूरा कॉन्टेंट है ना, ये सेंटर में नहीं है, टॉप टू बॉटम ये थोड़ा सा सेंटर से नीचे है, लेकिन ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं है इसका, कुछ फील तो नहीं हो रहा, कुछ शायद बेटर ही लग रहा है, सेंटर में होता तो शायद उससे थोड़ा बेटर लग रहा है कि थोड़ा नीचे, ठीक है जी। ये सारा हमने मैच कर दिया, और अब बता दें और कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो। सही है, सेट हो गया ये, हाँ नहीं, असल में ये है नीचे निकला हुआ है ना, ये इस पर मैं हाथ रखूँगा ना, ये देखो नीचे निकला हुआ है, इस पर मैंने हाथ रखा तो इसका एक्चुअल वो साइज़ कहाँ तक किया हुआ है वो इसने बता दिया, तो ये है सेंटर में ही, लेकिन दिख नहीं रहा सेंटर में, ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल इसमें?